हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हर एक नया टॉपिक लेकर आता हूँ, तो आज 10 बेस्ट टैग मिक्स लेकर आए हो ऑस्कर फिश का, जो आप ऑस्कर फिश के साथ आसानी से रख सकते हैं। तो इससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट था, आप इस चैनल पे नया आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर रखिए, क्योंकि मैंने हर एक फिश रिलेटेड नया नया इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ इस चैनल में। तो चलिए बिना कुछ वक्त बिताए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले नंबर पर ही जो टैंगमेट्स आता है ऑस्कर फिश का, वो है अरवाना फिश। अरवाना फिश तो बहुत टाइप्स का होता है, आप कोई भी अरवाना फिश ऑस्कर फिश का टैंगमेट्स हिसाब से आप रख सकते हैं। लेकिन एक बात को आपको ध्यान देना होगा, अगर आप अरवाना फिश ऑस्कर फिश का टैंगमेट्स रखना चाहते हैं तो उसका साइज का हिसाब से आपको रखना होगा। ज़्यादातर आपको इक्वल साइज रखना होगा ऑस्कर और अरवाना। आप ज़्यादा छोटा अरवाना मात रखिए ऑस्कर फिश के हिसाब से, आप ज़्यादा ऑस्कर फिश भी छोटा मात रखिए अरवाना के हिसाब से। दोनों ही फिश इक्वल साइज होंगे तो अरवाना एक अच्छा टैंगमेट्स बनेगा ऑस्कर फिश का। नंबर टू पर जो फिश होता है वो है बाइचर फिश, जिसको हम ड्रैगन फिश भी कहते हैं। ये फिश ज़्यादातर टैंक का बॉटम में रहता है और ऑस्कर फिश ज़्यादातर टैंक का मिडिल या टॉप पोजीशन पर रहते हैं। तो इन दोनों फिशों का कॉम्बिनेशन ज़्यादातर अच्छा खासा रहेगा। तो अगर आप ऑस्कर फिश का टैंक में बाइचर फिश रखना चाहते हैं तो आप आसानी से रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो फिश होता है कॉर्नबिट चिगलेट, जो ऑस्कर फिश के साथ आसानी से रह जाएगा। तो ऑस्कर फिश का टैंगमेट्स पे आप कॉर्नबिट चिगलेट आसानी से रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो फिश होता है वो है फायर माउथ चिगलेट। फायर माउथ चिगलेट आप ऑस्कर फिश के साथ आसानी से रख सकते हैं, लेकिन एक बात को आपको ध्यान देना होगा, आपके पास ज़्यादा बड़ा ऑस्कर फिश होंगे तो आप ज़्यादा छोटा फायर माउथ चिगलेट उसके साथ मात रखिए, उसके साइज़ के हिसाब से आपको फायर माउथ चिगलेट रखना होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद ही जो फिश आता है ग्रीन टेरर फिश। ग्रीन टेरर फिश आप ऑस्कर फिश के साथ आसानी से रख सकते हैं। ग्रीन टेरर फिश भी ऑस्कर फिश के तरह एक लार्ज साइज का फिश होता है, तो ऑस्कर फिश के साथ इस फिश का अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आप ऑस्कर फिश का टैंगमेट्स पे ग्रीन टेरर फिश आप आसानी से रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद ही जो फिश आता है वो है जैक डैम्पसी फिश। जैक डैम्पसी फिश एक चिगलेट कैटेगरी का फिश है और ये इसका कैटेगरी और ऑस्कर फिश का कैटेगरी दोनों ही सेम कैटेगरी है, मतलब एग्रेसिव कैटेगरी का है। और आप इसको रख सकते हैं क्योंकि एक ऑस्कर फिश की तरह ही ग्रो करता है और उससे भी ज़्यादा जैक डैम्पसी फिश बड़ा हो जाता है। लेकिन आपको इसका टैंक में पे ज़्यादा हाइडिंग प्लेस ऐड करना होगा, क्योंकि जब इसका स्पॉइनिंग का टाइम आएगा ऑस्कर फिश और जैक डैम्पसी फिश, तो आपस में दोनों ही पेयर बन जाएगा, तो एक दूसरे को अटैक कर सकता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा हाइडिंग प्लेस ऐड करना होगा। और ऑस्कर फिश जैक डैम्पसी फिश आप एक ही साथ रखना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 5 फीट का टैंक देना होगा, क्योंकि आप ज़्यादा इसको स्पेस देंगे तो ये अच्छा खासा टैंक मेस बनेगा ऑस्कर फिश का। फ्रेंड्स, इसके बाद ही जो फिश आता है वो है जगुआर चिकलेट। जगुआर चिकलेट ऑस्कर फिश का एक अच्छा खासा टैंक मेस बनेगा, क्योंकि जगुआर चिकलेट का कैटेगरी और ऑस्कर फिश का कैटेगरी दोनों ही सेम कैटेगरी का फिश है, मतलब ये दोनों ही एग्रेसिव कैटेगरी का है। और ऑस्कर फिश की तरह ये भी एक लार्ज साइज का फिश है, ऑस्कर फिश की तरह एक जल्दी ग्रो कर जाता है। तो आप ऑस्कर फिश का टैंक मेस पे जगुआर चिकलेट रखना चाहते हो तो आप आसानी से रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑस्कर फिश का नेक्स्ट जो टैंगमेट्स होता है वो है कॉमन प्लेको फिश। हम तो सभी जानते हैं कॉमन प्लेको फिश सब कोई भी फिशेस के साथ आसानी से रह जाएगा, तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा, लेकिन आपको कॉमन प्लेको फिश ही रखना होगा। दूसरा कोई जो प्लेको फिश होता है, ब्रिस्टल नोज प्लेको फिश एंड अदर्स जो प्लेको फिश होता है, आपको वो प्लेको फिश रखना नहीं चाहिए। आप सिर्फ कॉमन प्लेको फिश ही आपको ऑस्कर फिश के साथ रखना होगा। बाद में जो फिश आता है वो फ्रेंड्स सीब्रम फिश आता है। सीब्रम फिश आप ऑस्कर फिश का टैंगमेट्स में आसानी से रख सकते हैं। सीब्रम फिश एक चिगलेट फैमिली का फिश है, लेकिन इसका जो नेचर है वो है सेमी एग्रेसिव कैटेगरी। ज़्यादातर ये कोई फिशेस को अटैक नहीं करता, लेकिन एक बात को आपको ध्यान देना होगा, ऑस्कर फिश की तरह ही लार्ज साइज का आपको सीब्रम फिश रखना होगा, तब भी ऑस्कर फिश इसको अटैक नहीं करेगा। और एक बात को ध्यान देना होगा आपको, आप ज़्यादा हाइडिंग प्लेस आपका टैंक में ऐड करना होगा, तभी आप ऑस्कर फिश के साथ ये सीब्रम फिश रख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में जो टैंक में आता है ऑस्कर फिश का वो है सिल्वर डॉलर फिश। जी हाँ दोस्तों, सिल्वर डॉलर फिश भी आप ऑस्कर फिश के साथ आसानी से रख सकते हैं, लेकिन सिल्वर डॉलर फिश आप रखना चाहते हो तो एक बात को आपको ध्यान देना होगा, सिल्वर डॉलर फिश एक स्कूलिंग फिश है, तो ज़्यादातर एक ग्रुप में रखना चाहिए। आप इसको मिनिमम 6 क्वांटिटी में रखना होगा,
तब भी आप ऑस्कर पीस के साथ रख सकते हैं। सिल्वर कलर पीस आप एक पेयर या दो पेयर रखेंगे तो वो ज़्यादा एलोन फील करेगा, वो बाद में सीख हो सकता है और मार भी सकता है। आप जब भी सिल्वर डॉलर रखेंगे तो आपको स्कूलिंग में रखना होगा, मिनिमम 6 क्वांटिटी में रखना होगा, तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। और ऑस्कर पीस के साथ आप रखना चाहते हैं तो उसका साइज के हिसाब से आप सिल्वर डॉलर पीस रखिए, तो ये बात आपको ध्यान देना होगा सिल्वर डॉलर आप रखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था टॉप 10 टैगमेट्स ऑस्कर फिश के लिए। आप इन 10 फिशों में कोई भी फिशेस ऑस्कर फिश के साथ आसानी से रख सकते हैं, अगर मैंने जो स्टेप बोला आप फॉलो करें तो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही फिशेस के बारे में नया नया इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।